नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन और घरेलू उपचार ये मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना विषय है, अगर बकरी चारा नहीं खाए तो इस पर घरेलू उपचार कैसे करें। दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय में भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। बकरी अगर बीमार है तो वो चारा कम खाती है या फिर कभी कभी खाती भी नहीं। अगर बकरी चारा न खाए तो हम उस पर बहुत सी मेडिकल या दवाएं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस दवाई का असर काफी देर बाद या कभी कभी होता भी नहीं। इससे अपना पैसा और अमूल्य समय बर्बाद होता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर बकरी चारा न खाए इस पर एक अत्यंत उपकारी घरेलू उपचार देने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप ये मेरा वीडियो आखिर तक देखें। इस उपचार के लिए लगने वाले साहित्य देख लीजिए। एक कटोरी या एक वाटी प्याज बारीक कटा हुआ, काला नमक एक चम्मच। दोस्तों, ये जो साहित्य है ये साहित्य आसानी से अपने घर में मिल जाते हैं, इसका ही यूज करना है अपने को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दवाई कैसे तैयार करें। सबसे पहले दही को अच्छी तरह पतला कर दें। ध्यान रहे दही एकदम पतला हो जाए। दोस्तों, दही में क्या होता है कि एक ऐसी दही जो है अगर उसमें गाठी गाठी तैयार हो जाती है, तो सबसे पहले उस गाठी को आपको चम्मच से या किसी ग्राइंडर या मिक्सर में घुमा के उसे एकदम पतला यानी एकदम लस्सी जैसा करना है। बाद में प्याज को बारीक काटना है। ध्यान रहे प्याज इतना बारीक काटना है कि वो दही में आसानी से घुल जाए। अगर आप प्याज को मिक्सर में निकाल के उसका पेस्ट भी करते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज दही में डालकर उसे अच्छी तरह मिला ले। बने हुए द्रावण में एक चमचा काला नमक डालें। दोस्तों, एकदम आसान और एकदम उपकारी फार्मूला है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इनका एक पेस्ट बनाना है और उसमें एक चम्मच काला नमक डालना है। ये द्रावण मीन्स घोल भेड़ बकरी के गले में छोड़े यानी उसे खिलाएं। देखो दोस्तों, ये जो द्रावण है ये आमतौर पर बकरी खाएगी नहीं, तो आपको इसको खिलाना पड़ेगा। तो बकरी का मुंह खोल के उसे गले में ये द्रावण आपको डालना है। दोस्तों, ये इलाज सवेरे जानवर जब खाली पेट होता है उस समय करना है। देखिए दोस्तों, फिर अभी देखते हैं ये दवाई काम कैसे करती है। दोस्तों, दही एक एसिडिक तत्व है, साथ ही ठंडा और सिग्ध पदार्थ है, जिससे बकरी के पेट में अगर न पचा हुआ खाना घटक है होगा तो दही साफ करता है। साथ ही अगर बकरी के गले, पेट या आंत में छाले हो तो दही उसमें आराम देता है। साथ ही प्याज भी एक एसिडिक होने की वजह से वो पाचन संस्था को स्वच्छ एवं साफ करता है। काला नमक गैसेस होने से रोकता है। तो इस तरह ये घरगुती जो नुस्खा है ये काम करता है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि ये मिश्रण बनाने के बाद इसे तुरंत देना है, इसे रखना नहीं है। जैसे ही ये मिश्रण आप तैयार करेंगे उसे तुरंत बकरे को खिलाना है। दोस्तों, ये एक अत्यंत लाभदायक और गुणकारी घरगुती औषधि है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस औषधि में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें नैसर्गिक है, इसका दुष्परिणाम नहीं होगा।
साथ ही ये चीजें आसानी से अपने घर में ही मिल जाती है। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा ये YouTube चैनल आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलिए दोस्तों, मैं नितेश खंडारे, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए नए वीडियो लेके।